ईद आ गई है भाई। ईद शॉपिंग के चक्करों में ना इन लोगों ने भी 50% स्पेशल डिस्काउंट लगा दिया। देख लें, हम आ चुके हैं जी कटिंग करवाने के लिए। रमजान से पहले पहले जो ना कटिंग भी करवा लेनी चाहिए। तो ये अभी हम आ चुके, सारे सूट हो गए ना? नहीं हुए? वीडियो नु शेयर करो, ठीक है सब भाई, सब्सक्राइब भी करो भाई दे चैनल नु। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो इसके लिए ये लेना पड़ेगा। कितने का भाई ये? ये भाई 3.90 €, बस ठीक है, इसको भी पैक कर दिया। अहमद है तो रश देखें कैसे पड़ा हुआ। ये जो खजूरें भी यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से गोश्त भी मिल जाएगा। हमारे भाई वसीम जो गोश्त काट रहे हैं, रमजान की तैयारी है, माशाल्लाह ऑर्डर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। रमजान की आमद आमद है और हर कोई अपने अपनी रमजान की तैयारियां मुकम्मल करने में लगा हुआ है। आहर हम भी रमजान की तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं भाई, क्योंकि रमजान जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले हमें तैयारी करनी होती है। क्योंकि जब आप यूरोप के अंदर या किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, जितने भी जॉब सीकर्स लोग होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, उन तमाम की ये कोशिश होती है कि सबसे पहले हम जो छुट्टी आई है, जैसे कि आज सैटरडे संडे आ चुका है, तो रमजान की तैयारी मुकम्मल की जाए। जितनी भी शॉपिंग करनी है करनी चाहिए भी, और ये बहुत ज़रूरी है। और जल्द से जल्द जो ना अपना सामान इकट्ठा कर ले जाए। फिर रमजान के अंदर यही होता है कि हम रोजे रखें, काम करें और घर आके सो जाएं, या नमाज कुरान तलावत वगैरह ये सब कुछ करें हम। तो जहां पर रमजान के अंदर इतना कुछ करना होता है, इतनी रहमतें और बरकतें होती हैं, वहां पर और भी बहुत से काम है जो हम लोगों को करने चाहिए। जैसे कि जितने भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन तमाम लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। जितने भी दुनिया भर में लोगों के साथ जुल्म किए जा रहे हैं, जुल्म ज्यादती हो रही है, आखिर हम इतने बेबस कौम है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतना कर सके कि हमारे 1 रुपये से 2 रुपये से हमारे कुछ सदकात और ज़रात से उनका अगर कुछ हो सके तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। आप अगर खुद जाके कुछ नहीं कर सकते तो अपने सदके से, ज़कात से कुछ ना कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई हमारी जो शॉपिंग है वो शॉपिंग कैसी चल रही है, और हमने कितनी शॉपिंग कर ली अभी तक वो भी आपको दिखाते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम रमज़ान के अंदर जो यूरोप के अंदर जितने भी हमारे भाई होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करते हैं। देखें, फैमिली के साथ तो एक अलग सीन है कि जो दोस्त भी फैमिली के साथ हो यहाँ पर होते हैं तो उनका एक अलग से सीन होता है। फैमिली में तो हर चीज़ रहमतें बरकतें सब कुछ होता है भाई, लेकिन यहाँ पे ये सीन है कि जब लड़के अकेले होते हैं तो उनको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। शॉपिंग भी खुद करनी है, जाके सब कुछ खुद चूज़ करना है, क्या खाना है, क्या पकाना है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि भाई बनाना भी खुद है, काम पर भी जाना है, काम से वापस आके सब कुछ खुद ही करना है। तो भाई आए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि हमने रमजान की जो शॉपिंग है उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पाए गए। ये है हमारा छोटा सा फ्रीज़र, और ये देख लें भाई, फ्रीज़र हमने भर दिया जिसके अंदर भाई टमाटर है, पालक है, सब्जी है, और पीछे गोश्त के पैकेट। छोटा गोश्त इस वक्त हम 5 से 6 किलो अभी लेकर आए 10 दिन के लिए। बड़ा गोश्त है 3 किलो, उसके बाद मुर्गी है 4 किलो, उसके बाद जितना भी ये सब्जियाँ हैं वो हैं। उसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए अलग से लेके आए भाई, ये देखें, ये है जी टमाटो, केचप, मायनीज, जैम, दालें, चाट मसाले, क्योंकि चाट के बगैर तो भाई मज़ा नहीं आना, चाट होगी तो फिर ही कुछ चलेगा। टमाटर रोब है, ये चने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये चने यूज़ करते हैं, और अगर हम चने दूसरे यूज़ करें तो उसमें गैस का भी बड़ा इशू होता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर होता है तो हमने सिलेंडर यूज़ करना होता है। इस वजह से हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं जो ईज़िली बन जाए। और इसके अलावा जूसेस हैं, अगर जूस बनाने के रमज़ान के अंदर ना हमारा ये सीन है भाई कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ बनानी होती है हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी बन जाए। जितना जल्दी बन जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होता है, और अगर लेट हो जाए तो फिर यहाँ पर मौत पड़ती है भाई, बनाने के अंदर बड़े बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो लानी है, जैसे कि क्रीम है, क्रीम लेकर आनी है। उसके बाद फ्रूट है, 8 से 10 दिन का फ्रूट हम इकट्ठा लेके आएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ पास होती हैं तो फिर हम जाके फ्रूट भी ले आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर लेकर आनी है। बाकी जो सामान है वो हम लेकर आए हैं, और तकरीबन 500 यूरो का सामान हम लेकर आए हैं। कितना? 500 यूरो का, 500 यूरो यानी कि पाकिस्तानी बन जाते हैं 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये का सामान तकरीबन 4 से 5 लोग हम लेकर आए हैं, और ये सिर्फ 1.5 लाख का सामान अभी तक इतना है। इसके बाद जो सामान आना है वो तकरीबन फिर 200-300 यूरो का आएगा। आप कह सकते हैं कि 1000 यूरो तक 5-6 लड़कों का लग जाता है रोज़े रखने में। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात है भाई, आप दोस्तों को बताते जाएं कि यार हर कोई बंदा यहाँ पर यूरोप के अंदर रोज़े नहीं रखता, बहुत कम लोग हैं जो रोज़े रखते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि भाई यहाँ पर लोगों ने काम करना होता है, कुछ लोगों के काम ऐसे हैं जो कि बहुत हार्डली होते हैं, वो हर बंदा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम
अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी रखे थे, उससे पिछले साल भी रखे थे, और इस दफ़ा भी पूरी कोशिश है कि रोज़े रखें, रोज़ा कोई भी ना छोड़ें। और अगर इस दफ़ा कोई रोज़ा छूट गया, अल्लाह ना करे छूटे, बड़ा दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे अपना करम और फजल करे। तो आए चलते हैं मार्केट की तरफ, तो मार्केट चल के आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पर हमारा क्या क्या सीन है, कौन कौन सी चीज़ें बाय करनी है। चलें। अच्छा, ये अभी जो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, रमज़ान की शॉपिंग है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बताना चाहूँगा कि रमज़ान की शॉपिंग को लेके जो खाने पीने का सामान है, उसके बाद फिर एक बंदे की पर्सनल लाइफ का क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो बात यह है कि यार देखिए, जो बंदा भी यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर बाहर अपनी फैमिली के लिए आया हुआ है, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं, खाने पीने के लिए लेते हैं या कोई पहनने के लिए लेते हैं, बहुत कम है। सबकी यही कोशिश होती है कि यार हम अपनों को जितना भी हो सके अपनों के लिए कुछ ना कुछ करें, उनके लिए जितना हो सके कोई ना कोई सहूलत पैदा कर दें, उनको कपड़े ले दें, शॉपिंग करवा दें, रमज़ान के अंदर उनके रोज़े रखवा दें। असल में इन रमज़ान के अंदर ना जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जितने भी हमारे पीछे होते हैं ना, वो सब उन लोगों की रमज़ान भी होती है, ईदें भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग भी परदेश के अंदर होते हैं, परदेश के अंदर असल में इंसान मुश्किलात और परेशानियां ही फेस कर रहा होता है। उसने हर एक चीज़ को खुद ही फेस करना है, खुद ही डील करना है, हर एक परेशानी को खुद ही देखना है। उसने छोटे से मसले को लेकर बड़े से बड़े मसले को खुद ही डील करना होता है। और यही नहीं कि जो नौकरी करते हुए जो उसके ऊपर प्रेशर होता है काम का, जॉब का, उसके बाद फिर घर आके उसके ऊपर जो घर के काम काज का जो प्रेशर होता है, हर चीज़ उसने खुद ही डील करनी होती है। ये वो लाइफ है जो किसी को नज़र नहीं आती, सिर्फ वो लोग जो यहाँ पर आ जाते हैं उनको पता होता है। अब ये बातें अगर आपको कोई बताए तो आप यकीन नहीं करते, आप कहते हैं कि यार ये बंदा तो मौज कर रहे हैं, हम लोगों को बस बता रहा है कि इस तरह से, और ये ऐसा तो होता कुछ भी नहीं है, लोग तो बड़े खुश नज़र आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, जो फेस कर सकता है वो यहाँ पर आए, आकर यहाँ पर काम करे, सब कुछ फेस करे और फिर लाइफ को गुजारे। यानी कि एक लाइफ वो है जो मौज और मस्ती वाली लाइफ है, वो है पाकिस्तान की लाइफ, जिसके अंदर एक आम से आम बंदा भी कुछ भी नहीं कर रहा वहाँ पर, ठीक है। वो 2-3 बजे उठता है सुबह और अपनी लाइफ को वहाँ पे चिल करता है, एंजॉय करता है, और यही कहता है यार बाहर जाऊँगा तो कुछ करूँगा, अभी तो कोई हालात ठीक नहीं है। और एक वो बंदा जो परदेश के अंदर है, जो बैठा हुआ यहाँ पे, जिसने बहुत कुछ फेस करना है। और मज़े की बात यह है कि यार यहाँ पर ना लोग समझेंगे ये इन लोगों की बड़ी मौजें लगी हुई हैं, परदेश के अंदर हैं, रोज़े रख रहे हैं, अच्छे खाने अच्छे पीने, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हकीकत ये है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जो मैंने खुद देखे हैं, वो भाई रोज़े भी नहीं रखते हैं, रमज़ान के अंदर रोज़े भी नहीं रखते। वजह क्या है कि काम बहुत ही वजनी है, क्योंकि यहाँ लेबर क्लास के अंदर हम लोगों को जॉब दी जाती है ज़्यादातर, तो लेबर के अंदर बहुत कम लोग हैं जो आपको रोज़े रखते हुए नज़र आएंगे। काम ही इतना हार्ड होता है, इतना मुश्किल होता है कि एक आम बंदा किस तरह से वो बंदा जो ना रोज़ा रखे, और जो कोई रखता है वो उसकी हिम्मत है। क्योंकि रमज़ान के अंदर आपने यहाँ पे रोज़ा होता है 14-15-16 घंटे का रोज़ा होता है, और इतने लंबे टाइम के अंदर आपने 8 घंटे जो काम करना होता है, वो इतना स्पीड से आपसे काम लेते हैं, इतना स्पीड से काम लेते हैं कि बंदे की बस हो जाती है यहाँ पर। वो फिर भी अगर जो बंदा भी यहाँ पर रोज़े रखता है, उसकी हिम्मत है, उसकी बहुत बड़ी हिम्मत है। अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती दे। जितने भी हमारे यहाँ परदेश के अंदर मुसाफर हैं, परदेश के अंदर जितने भी हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक सब पे करम और फजल करे। देखें, अभी मैं भी निकला हूँ, जा रहा हूँ, और जाके अभी शॉपिंग करनी है, कुछ जो सामान रह गया वो सामान लेना है घर के लिए, कुछ चीज़ें हैं वो लूँगा, उसके बाद फिर जो है ना वापसी घर की तरफ। ये है जी भाई यहाँ की लाइफ, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। ये आपको जो मैं नज़र आता हूँ भाई, ये एक रियलिटी है जो आपको चीज़ें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं साथ, कि आप देखें यहाँ पर रियल लाइफ क्या होती है। यूरोप की रियल लाइफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम साथ किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ें ना करें, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे, भाई हमसे कुछ नहीं होता, तो कोई भी आपको घर में नहीं रखेगा। इवन कि आप जिस घर में रह रहे हो वो भी आपको घर वाले निकाल देंगे, या आप अपना भी घर लेते हो वो घर भी तबाह हो जाएगा। यहाँ पर आपने टाइम टू टाइम सब कुछ करना है, सब कुछ करेंगे तो आप चलेंगे, अगर नहीं करते तो आपने यहाँ पर अपना गुजारा बड़ा मुश्किल बना लेना है, और आपके लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह अभी चलते हैं आगे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं शॉपिंग का क्या सीन है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जी कटिंग करवाने के लिए। रमजान से पहले पहले जो है ना कटिंग भी करवा लेनी चाहिए। तो ये अभी हम आ चुके हैं जो ना हमारी कटिंग करेंगे। सारे साहब टाइम है आपके पास जी? कि दो दिन बाद रोजे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप हमारी कटिंग कर दें ताकि जो है ना फिर एक महीना गुजर जाए। कटिंग ऐसी करनी है कि एक महीना कटिंग करवाने के बाद में जरूरत ना पड़े, समझ आ गई ना? टेन करवा। तो ये है जी हमारे संजय साहब। तो ये अभी हम कटिंग करवाएंगे। हाँ की ड्रामेबाजी करना है, टीटो पार्टी ना लगाओ, समझ आइए ना? ऐसा काम करो। ओके, क्या रेट चल रहा है आजकल आपकी कटिंग का? 10 रुपए के 5 रुपए 15 रुपए ठीक। अच्छा हमको सिखा रिया है, हो गया। चले जी हमारे लिए 10 रुपए सही है। फारग हो जाओ फिर कटिंग करनी है भाई, और जो है ना क्या नाम लेते हैं फिर देखते हैं उसके बाद। अच्छा दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शहर के अंदर। ये हमारा शहर है और बड़ा ही कमाल का शहर है भाई, क्या ही बात है। शहर से इस वक्त थोड़ा सा दूर घर है, और उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट था घर था वो छोड़ा, तो कोई अपना नहीं था, तो मैं अपने के पास गया, तो इसीलिए अब थोड़ा सा दूर घर लिया हुआ। तो अभी जो है फ़िलहाल शहर में आए हैं, कटिंग वाले के पास गए, कटिंग वाले से बात की सजाद से, तो उसको बोला कि भाई कटिंग करवानी है। फ़िलहाल तो अभी ठीक है, लेकिन 10-15 दिन के बाद रमज़ान के अंदर एक दफ़ा कटिंग ज़रूर करवा लेंगे, तो क्योंकि उसके बाद लास्ट पे फिर पता नहीं टाइम लगता है कि नहीं लगता। अभी जा रहे हैं जी, कपड़े दिए हुए थे, शलवार सूट मंगवाए थे पाकिस्तान से, तो वो दिए हुए थे हमारी जो है इंडियन मित्रनी है उनको दिए हुए थे, उनके पास जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या शलवार सूट हो चुके हैं कि नहीं। भाई शलवार सूट मेरा नाप नहीं था, लेकिन मेरा शौक था कि भाई पहने ज़रूर पहने, तो इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा शलवार सूट पाकिस्तान से मंगवाए हैं। अभी देखते हैं हो गए हैं कि नहीं, एक महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, पता नहीं हुए होंगे कि नहीं। अच्छा एक बात है यहाँ पे बताते जाऊँ आपको कि 30-40 यूरो उसने मांगे हैं शलवार सूट की, सिर्फ शलवारें और थोड़ी सी कमीज़ फ़िट करने के। भाई नेक्स्ट टाइम जब भी जो है ना शलवार सूट लेना है फिटिंग के अंदर पाकिस्तान से ही लेना, जाके वहीं पर लेंगे वहीं से करेंगे। बने बनाए सूट जो है ना किसी भी ब्रांड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सिलाई करवा लेनी चाहिए, अच्छे कारीगर को देख के कर लेना चाहिए, लेकिन भाई जो है ना शलवार सूट रेडीमेड मंगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ले जी ये दुकान है, चलते हैं अंदर देखते हैं हमारे सूट हो गया कि नहीं। प्रेगो अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल, ठीक ठाक हो? साजे सूट हो गए ना? नहीं हुए? कह दो कि ये झूठ है। देख लें दोस्तों अभी तक सूट नहीं हुए, रमजान शुरू होने लगा है लेकिन सूट अभी तक इन्होंने नहीं किए। रश देख लें इनके पास कितना रश है, ये एक महीना हो गया इनके पास काम ही खत्म हो रहा है। ये देखें लाइव नहीं, काम ही खत्म नहीं हो रहा भाई, देखा कितना रश है। इसलिए कहते हैं सिलाई का काम सीख लें, सिलाई का काम बहुत है, और सिलाई का काम करने वालों की मौज मस्ती है। मेहनत लगती है, पहले बंदे को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब बंदा बन जाता ना फिर ये रश देखे, फिर आपको टाइम भी ना पड़ता है। ये एक एक सूट देख ले कितने कितने महंगे सूट यहाँ पे लगे हुए हैं सिलाई। ये दो मशीनें रखनी है और आप कामयाब हो, बस इन दो मशीनों का काम है भाई। अच्छा जी अभी सूट लेने के लिए आए थे, तो सूट वालों ने कहा है, बाजी ने कहा है कि सूट जो है ना अभी तैयार नहीं हुए, सूट वो कहते हैं तैयार करेंगे मंगल को। वो कह रही थी, एक उन्होंने बड़ी बात की है ज़बरदस्त, वो कह रही थी कि आगे पीछे मुझे ना मोबाइल के ऊपर ऐड आ जाती थी या ड्रामों के अंदर बता देते थे कि रमज़ान आ गया। कहते हैं इस दफ़ा तो मैं आपके ड्रामे देख रही हूँ तो कोई ऐड ही नहीं चल रही कि रमज़ान आया कि नहीं आया। अच्छा ये बड़ी बात है गौर करने वाली कि देखें हमारे निज़ाम का, हमारे सिस्टम का ये सीन हो चुका है कि अब वो रमज़ान की नशरियात एक महीना पहले बताना शुरू कर देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बता रहे। या ये देखें कि इस्लाम से हमारे अपना कल्चर, हमारे अपने जो चीज़ें हैं वो कितनी दूर होती जा रही हैं। ये एक प्लानिंग है जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो रमज़ान से और ये इस्लाम से दूर होते जाएँ। अल्लाह ताला की ज़्यादा बेहतर करे। बार हर अगले वीक के अंदर मंगल वाले दिन जो आऊँगा यहाँ पे और आके सूट ट्राई करूँगा कि भाई सूट का क्या सीन है, बाकी अल्लाह खैर करे। सही है तो इंशाल्लाह फिर क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं माशाल्लाह। अच्छा बहुत अच्छी की कहते बनाते ने व्लॉग, बहुत अच्छा व्लॉग बनाते ने। भाई नू लाइक करो, भाई की वीडियो नू शेयर करो, ठीक है सब। भाई सब्सक्राइब भी करो भाई के चैनल नू, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिक्का देंदे ने आ जा। अच्छा जी भाई ये भाई थे भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसाफिर हैं जो आते रहते हैं और मिलते रहते हैं। ये कोई मेरे ख्याल शायद नए ही आए हैं यहाँ पे, तो भाई बड़ा अल्लाह पाक खैर करे सबके लिए। तो बात ये है कि भाई बड़ा खैर
सूट तो जो है वो नेक्स्ट वीक में देखे जाएंगे क्या सीन है क्या नहीं। अभी हम चलते हैं जी आगे जो शॉपिंग करनी है, शॉपिंग को लेके देख लेंगे क्या क्या चीज़ें जो लेने वाली हैं, तो देखते हैं भाई क्या सीन है। अच्छा अभी ना हम चाइना मार्केट से शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो भाई ये देखे चाइना मार्केट से हम कुकिंग के लिए ले रहे हैं भाई। पता नहीं इस दफ़ा हमने समोसे पकाने पकौड़े पकाने हैं ना, तो इसके लिए ये लेना पड़ेगा। कितने का भाई ये? ये भाई 3.90 का, 3.90 सेंट का। बस ठीक है, इसको भी पैक कर दिया जाए। चाय भी तो भाई बनानी होती है ना, चाय के लिए ये पौनी लेने। भाई पौनी कितने की है ये? ये भाई 2 यूरो, 2 यूरो की पौनी है भाई। ये भी पैक कर दो भाई। ओके कर। चाइना मार्केट में भाई आए हुए हैं तो देख लें भाई, ये है चाइना मार्केट, सस्ता माल यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देख रहे हैं ना आप, सस्ता माल हर तरह का। ये भी ले लिया ऑयल चेंज करने के लिए ना, अब हमने ये भी ले, ये 2-3 चीजें हमने लेनी थी, ये दोनों तीनों चीजें ले ली हैं और बस चाइना मार्केट से हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है। देख रहे जी चाइना मार्केट बड़ी कमाल की मार्केट है, सस्ती चीजें पायदार चीजें यहाँ से मिल जाती हैं। जबरदस्त ईद आ गई है भाई, ईद शॉपिंग के चक्करों में ना इन लोगों ने भी 50% स्पेशल डिस्काउंट लगा दिया। देख लें ईद शॉपिंग के चक्करों के अंदर अभी हम आ चुके हैं जी हमारी पाकिस्तानी दुकान के ऊपर। तो ये देखें जी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, रमज़ान की आमद आमद है, तो रश देखें कैसे पड़ा हुआ है। ये जी खजूरें भी यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से गोश्त भी मिल जाएगा। और ये हमारी जो दुकान है पोर्टोने के अंदर भाई वसीम की दुकान है, ये माशाल्लाह पाकिस्तानी का रश देखें, ये चेक करें भाई, सबसे बड़ी दुकान है और बेहतरीन दुकान है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुर्गी है वो मुर्गी का रेट भाई चल रहा है इस वक्त 3.5-4 यूरो। उसके बाद है जी गोश्त है वो भी बहुत सस्ता है, और यहाँ पर आपको हर चीज़ ही मिल जाएगी। तो हम यहाँ से अभी लेंगे गोश्त वगैरह और कुछ सामान जो रहता है वो लेंगे, दही लेना है, कुछ चीज़ें लेनी है वो बाय करेंगे, बाकी सब कुछ तो हमने भाई ले लिया, ठीक है। और रूह अफ़ज़ा भी लेना है। रूह अफ़ज़ा किधर गया? ये इस लाइन में होगा रूह अफ़ज़ा। ये जी ये रूह अफ़ज़ा पड़ा होगा यहाँ पर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। रूह अफ़ज़ा भी लेना है, कहाँ लगा होगा भाई, रूह अफ़ज़ा नहीं मिल रहा। अरे रूह अफ़ज़ा भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी सी लेनी है और फिर उसके बाद जो है ना घर वापसी की तरफ जाएंगे, यानी कि पूरा दिन लग गया भाई शॉपिंग करते हुए, इतनी ज़्यादा शॉपिंग है और ये चीज़ें जगह जगह से ढूंढनी पड़ती हैं। बहरहाल जो भी दोस्त यहाँ रहते हैं पोर्टरों के अंदर, उन्होंने अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो यहाँ से ले सकते हैं, सही है। ये अजी हमारे भाई वसीम जो गोश्त काट रहे हैं, रमज़ान की तैयारी है, माशाल्लाह ऑर्डर आ रहे हैं और ये गोश्त रेडी हो रहा है भाई, माशाल्लाह क्या बात। देख लेंगे ये भाई वसीम है और बहुत ही नाइस आदमी है भाई, जो दोस्त भी यहाँ इनसे गोश्त लेना चाहते हैं वो आएँ यहाँ आके गोश्त लें और शॉपिंग करें यहाँ से भाई रमज़ान की। अब भाई पूरा रमज़ान यहाँ पर रौनक होगी। ये देखें पीछे खजूरों का रश चेक करें, ये खजूरें और समो पकौड़ों की तैयारियों के लिए यहाँ पर हर चीज़ रेडी पड़ी है भाई। ये हमारे काउंटर के भाई मेन हेड हैं, ये यहाँ पर भाई ये देख रहे हैं सारा सिस्टम और क्या ही बात है, ज़बरदस्त यार। फिलहाल तो अभी भूख लगी हुई है, वो केक खाएंगे हम, केक लेते हैं, ये केक पकड़ेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, दिखा लें आज भी उसके बाद रमज़ान है, फिर नहीं खाया जाना। रूह अफ़ज़ा और ये है एक संदल, दोनों बड़ी कमाल की बोतलें, फिलहाल तो दो लेते हैं, जितने दिन गुजर गए फिर उसके बाद देखेंगे क्या सीन करना है। नहीं जी इसका बिल करते हैं फिलहाल, बाकी चीज़ें देखते हैं हम कहीं और से। जब बिल करवाने लगे तो फिर बस जो ना निकलने लगे यहाँ से, रौनक बहुत लगी हुई है, माशाल्लाह बहुत रश है और कमाल का सीन है भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देख लें भाई